हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे बंधन स्मॉल का फंड के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा फंड है और ऑलरेडी देखिए बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स ऑलरेडी, और ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक किसी भी फंड में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट का आप लोगों को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यहाँ पर एडुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 1 मंथ के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मार्केट अभी उस टाइम से वॉलेटाइल है काफ़ी और अभी नेगेटिव में ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट 1 महीना में कोई भी रिटर्न नहीं दिया इसने, ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.1% का माइनस रिटर्न जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और देखिए पिछला अगर 3 साल के बारे में बात करें तो देखिए 12% का रिटर्न दिया है बंधन स्मॉल कैप ने, और लास्ट 6 महीने के बारे में बात करें देखिए 32% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स लास्ट 6 महीने में देखिए आप लोग 32% का रिटर्न मिला इसमें, और जो लोग मान लीजिए अगर सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होंगे उनका पैसा भी ऑलमोस्ट 13,000 करीब यहाँ पे हो गया होगा, या फिर अगर किसी ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा का वैल्यू अभी 1,32,000 हो गया होगा। और लास्ट 1 ईयर के बारे में बात करें तो देखिए 71% का रिटर्न दिया इसने, 71% का लास्ट 1 साल के अंदर में सिर्फ। और पिछला 3 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 29.50% रिटर्न दिया है, और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 42% का रिटर्न इसने जेल करके दिया। और ये फंड ये कब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट देखिए लॉकडाउन के टाइम पे बोलेंगे लॉकडाउन से ये फंड ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है। और देखिए सबसे अच्छा बात क्या है ना, इसमें मिनिमम SIP का जो अमाउंट 100 रुपीज़, हम लोग सिर्फ 100 रुपये से SIP प्लान कर सकते हैं। और अभी देखिए जो इसका करंट NAV चल रहा है 51.21 के पास में करंट NAV चल रहा है। और देखिए अगर जो लोग इसमें वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम के लिए आप लोगों को 1,000 रुपीज़ इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वन टाइम के लिए। और यहाँ पर देखिए फंड का कंपेरिजन भी दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे वापस से। और फिर फंड का अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है हम लोगों को। देखिए फंड अपना ऑलमोस्ट 4 साल इसने पूरा कर लिया है, और AUM के बारे में बात करें देखिए अच्छा खासा AUM बोलेंगे इसको। और हालांकि अदर्स निपोन है, SBI है, HDFC है, एक्सिस है, और भी बहुत सारा स्मॉल का फंड है उससे AUM इसका कमी है, लेकिन स्टिल फ्रेंड देखिए 7,500 करोड़ का इसका AUM है। और मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले चेक किया था, उस टाइम इसका AUM ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ के करीब था, और अभी देखिए ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। और इसमें देखिए अच्छा बात क्या है ना, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो लॉक इन पीरियड है नहीं, आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना जब भी मानो अपने यहाँ पर आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर 1 साल के अंदर में आप लोगों को विड्रॉ करना है तब यहाँ पर देखिए एग्जिट लोड आप लोगों को लगेगा 1% का। और इसमें देखिए टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये देखिए सिंपल से लिखा हुआ है 1% इफ रिडीम और स्विच आउट विथ इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट अलॉटमेंट। मतलब सर आप लोग इसमें परचेस करेंगे डेट जब से आपका अलॉटमेंट होगा उस दिन से लेकर अगर 1 साल के अंदर में आप लोग विदड्रॉ करते हैं फिर स्विच करते हैं तो आप लोगों को 1% यहाँ पे काट लेगा। और यहाँ पे टैक्स के बारे में भी लिखा होगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को अच्छा रहेगा वीडियो पॉज करके। और अगर फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो देखिए इनका नाम मेंशन है, और पिछले 4 साल से यही फंड मैनेज कर रहे हैं अनूप भास्कर इनका नाम है, और पिछले 4 साल से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। और रिस्क और रेटिंग के बारे में बात करें तो देखिए रिस्क का जो मीटर है फ्रेंड्स काफ़ी हाई है, हालांकि स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं हाई होता है। और देखिए फंड पर भी कोई भी यहाँ पर रेटिंग नहीं दिया है, ना एंजल ने कुछ रेटिंग दिया हुआ है, और क्रिसिल, मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च किसी ने भी कोई यहाँ पर रेटिंग नहीं दिया हुआ है। और होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड फिनेंस में सबसे ज़्यादा होल्ड है, डेफ्ट में भी है, फार्मा है, कंज्यूमर है, बैंक्स है, बहुत सारा यहाँ पर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और अगर टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें स्टॉक्स के बारे में तो यहाँ पे देखिए वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रहा होगा, ये सारे कुछ कुछ स्टॉक्स है जिसमें ऑलरेडी फंड ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और भी देखिए हम अगर डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। और ये देखिए सभी जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एनजेड वन के प्लेटफॉर्म पर एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है एक ही जगह पर इसीलिए। और सिमिलर फंड्स का मैं यहाँ पर देख लिया तो देखिए फ्रेंड्स पिछले 3 साल में सिमिलर फंड ने हमारा क्वांट 29 का रिटर्न दिया है, इन्वेस्को 27 का रिटर्न दिया है, कैनरा 24 का, और निपोन इंडिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, और इसका AUM भी सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में। इसका देखिए 30% का पॉजिटिव रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है पिछले 3 साल के अंदर में। तो अगर आप लोगों को फिर डिटेल वीडियो चाहिए निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली वहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा।
और एक चीज़ देखना, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है पिछला मान लिया 6 महीना में कोई अगर 1,000 रुपया डाला होता तो उसका वैल्यू अभी इतना हुआ रहता, और अगर 1 साल के अंदर में कोई डाला होता तो उसका वैल्यू 1700 हुआ होता, और पिछला 3 साल में ऑलमोस्ट पैसा कुछ ने डबल कर दिया था। यानी 3 साल पहले किसी ने अगर 1,000 रुपया डाला था बलमिन फोन के फंड में, तो यहाँ पर देखिए उसका वैल्यू अभी 2171 रुपया है। तो आप इस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स। पहले वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा फ्रेंड्स, और अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।